एडीजी जोन अखिल कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने वाले नामांकन स्थल का पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी से नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हो रहा है, जिसके लिए 9 न्यायालय बनाए गए हैं, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभा है जिसकी तैयारी को देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। बताया गया कि नामांकन को सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी की जा चुकी है तथा जो कमी पाई गई है उसको दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन में सतर्कता बरती जा रही है तथा जनपद के पास पर्याप्त पुलिस बल है तथा नामांकन को संपन्न कराने के लिए एसएसबी की फोर्स मिली हुई है। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, कहाँ तो बैरियर वगैरह लगा रहेगा, गेट तक यहाँ तक मतलब डिसाइड हो जाए, ये आपको डीएम एसपी डिसाइड कर लेंगे कहाँ तक आए। एक मीटर तो सर ये जो अभी आप बात कर लें वहाँ से पैदल चलते हुए, मान लीजिए वहाँ भी आज बैरिकेडिंग की जगह उसके बाद ऐसे हो जाएगा गाड़ी का। तीन नंबर गेट से, तीन नंबर गेट से, चार नंबर गेट से कचहरी शुरू हुआ है, बाकी वो ब्लॉक है सर। ये अभी ब्लॉक है सर, ये अभी कहाँ तक ब्लॉक है? हाँ मैं ठीक हूँ सर, तैयारी है जी सर, कोई तैयारी बैरिकेडिंग ये सब कम्प्लीट रहेगा, पब्लिक उधर से ही आएगी तो कचहरी वाला काम के लिए अलग एंट्री है ना जी। मैं बता दे रहा हूँ सर, जैसे हम यहाँ सी एम को कहाँ पे होते हैं, सी एम को यहाँ से वहाँ से उतर के पैदल ऐसे आएंगे तो नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह सब क्लियर हो जाए, गाड़ियाँ हटवा नामांकन 4 तारीख से प्रारंभ हो रहा है गोरखपुर के अंतर्गत, तो नामांकन में क्या व्यवस्था है, कैसे करनी है पूरी व्यवस्था, इस विषय में भ्रमण किया गया है। हमारी तरफ से सारे प्रबंध हम लोगों ने कर लिए हैं, जो भी एडिशनल पॉइंट्स आज के विजिट्स के बाद आई हैं वो हम लोगों ने नोट करा दिया है। हम सजग हैं, हमारा गोरखपुर पुलिस सजग है, हमारे पास पर्याप्त बल है, पैरामिलिट्रीज मिली हुई है और सब जगह सकुशल नामांकन चल रहा है, यहाँ भी सकुशल नामांकन करा लिया जाएगा।